हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द ब्रेन गेन। आज का टॉपिक है द रेवोल्यूशनरीज। इस पूरे चैप्टर के नोट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे मेल भेज दीजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट द एक्सक्लूसिव नोट्स फॉर द होल चैप्टर। थैंक यू सो मच। सो 1815 में फ्रांस पर ट्रीटी ऑफ वियना के इम्पोज होने के बाद लिबरल नेशनलिस्ट डर गए और अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड होने का मतलब जमीन में समाना नहीं होता है, पब्लिक में एक्टिवली प्रोटेस्ट करना बंद कर देना होता है और यहीं से शुरू होती है सीक्रेट सोसाइटीज की कहानी। बहुत से यूरोपियन स्टेट्स जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में सीक्रेट सोसाइटीज बन गईं। सीक्रेट सोसाइटीज ऐसे ग्रुप्स होती थी जहां रेवोल्यूशनरीज को ट्रेनिंग दी जाती थी लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करने, मोनार्की को अपोज करने और नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने के लिए। एक ऐसे रेवोल्यूशनरी थे गिज़िपी माज़िनी, जो इटली से थे। गिज़िपी माज़िनी सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी के एक मेंबर बन गए थे और उन्होंने दो और सीक्रेट सोसाइटीज बनाई जिनका नाम था यंग इटली एंड यंग यूरोप। ड्यूक मिटर्निक, एक कंजर्वेटिव एंड वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना, ने गिज़िपी माज़िनी को द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर कहा। तो इसी पर एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड ही डिस्क्राइब माज़िनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी? ये इसलिए क्योंकि गिज़िपी माज़िनी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को ट्रेनिंग दी और ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए भेज दिया थ्रू आउट यूरोपियन कंट्रीज और ही वॉन्टेड टू यूनिफाई इटली। दैट इज़ वाई ही कॉल्ड हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ देयर सोशल ऑर्डर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्रेन गेन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। G G G